सर्वांग समवृत्त कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमने देखा था कि ऐसी दो आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं सर्वांग समाकृतियाँ कहलाती हैं। अगर हम बराबर त्रिज्या के दो वृत्त लें जिनके केंद्र O1 व O2 हों, पुनः O1 केंद्र वाले वृत्त में एक व्यास AB तथा O2 केंद्र वाले वृत्त में व्यास CD लें, आकृति 14-15। एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर इस प्रकार रखें कि केंद्र O1 केंद्र O2 पर पड़े तथा व्यास AB के अंत बिंदु A व B क्रमशः बिंदु C व बिंदु D पर पड़े। आप देख सकते हैं कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्णतया ढक लेता है, अतः हम कह सकते हैं कि लिए गए दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं। इस गतिविधि को बराबर त्रिज्या के अन्य वृत्त खींचकर दोहराएं। आप पाएंगे कि बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। एक रेखाखंड ए बी तथा एक बिंदु ओ जो रेखाखंड में नहीं है दिए गए हैं, आकृति 16। ओ को ए और बी से मिलाइए। कोण ए ओ बी रेखाखंड ए बी द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण कहलाता है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, आकृति 17। जीवा ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशः कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ डी हैं। क्या आप बता सकते हैं कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी में कौन सा कोण बड़ा है? क्या आप जीवा की लंबाई तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में कोई संबंध देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि जीवा की लंबाई अधिक होगी तो केंद्र पर बना कोण भी अधिक होगा। करके देखें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। वृत्त में 3, 5, 8, 10 तथा 6 सेंटीमीटर लंबाई की दो दो जीवाएँ खींचें। चांदी की सहायता से इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोणों की माप करें और दी गई तालिका में लिखें। उपरोक्त तालिका को पूर्ण करने पर आप पाएंगे कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।